नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी बागवानी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल में जुड़ने वाले नए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। कृपया वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आपके लिए आते रहें। तो दोस्तों, आज हम फिर से आए हैं ग्रीन वर्ल्ड नर्सरी, और यहाँ की दोस्तों हम वीडियो पहले भी बना चुके हैं। तो यहाँ का जो एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सक्यूलेंट प्लांट्स की जो वैरायटीज़ थी वो बहुत अच्छी थी, तो मैंने उसी को कवर करने की यहाँ पर कोशिश की है। तो दोस्तों, चलते हैं फिर अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ये देखिए, ये सबसे पहले यहाँ पर ये स्ट्रिंग ऑफ बनानास हैं यहाँ पर, और ये 80 रुपये की रेंज में आपको मिल जाएगा। और ये देखिए, कैंप फायर है, ये कैंप फायर भी पॉली बैग में लगा हुआ प्लांट है। लगभग ये 4 इंची पॉली बैग में लगा हुआ है, काफ़ी बुशी सा प्लांट है जो आप यहाँ से 80 रुपये में ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है, सालों साल आपके गार्डन में चलता रहता है। दिल्ली के हॉट क्लाइमेट में भी ये नहीं मरता, नहीं तो जो सकुलेंट जो वैरायटीज़ होती हैं वो कुछ ही ऐसी वैरायटीज़ होती हैं जो दिल्ली के हॉट क्लाइमेट में चल पाती हैं। और एक ये देखिए, ये एक प्लांट ये भी बहुत प्यारा सा है जो 80 रुपये की रेंज में आप ले सकते हैं। देखिए, ये ट्री की तरह है, मुझे ये एचिवेरिया की शायद वैरायटी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा इतनी नॉलेज नहीं है। और ये देखिए, ये एक और सकुलेंट वैरायटी है, ये भी बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। यहाँ देखिए, ये भी सभी जो यहाँ पर पॉली बैग में रखी हुई वैरायटीज़ हैं सकुलेंट की, वो आप 80 रुपये में ले सकते हैं। और दोस्तों, ये देखिए, ये विष्णु कमल है, काफ़ी खूबसूरत और पसंद किया जाता है, ये काफ़ी लकी भी माना जाता है घरों में रखना। छोटे से 3 इंची पॉट में लगा हुआ प्लांट है ये, और खूब बहुत सुंदर लगता है ये घर में रखा हुआ। किसी भी सेरेमिक पॉट वगैरह में आप इनको लगाइए तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये एचिवेरिया की देखिए एक और वैरायटी है, देखिए कितनी प्यारी सी लग रही है, लोटस की तरह से इसकी पत्तियाँ खुल रही हैं। तो ये भी आप 150 रुपये की रेंज में ले सकते हैं यहाँ से। तो काफ़ी सारी सुंदर सुंदर वैरायटीज़ इनके पास, जो 3 इंची पॉट में लगी हुई वैरायटीज़ हैं जो सभी आप अभी देख पा रहे होंगे। और ये देखिए, ये हावर्थिया की कुछ वैरायटीज़ यहाँ पर रखी हुई हैं, ये देखिए ये हावर्थिया की कुछ वैरायटीज़ हैं, तो ये भी आप यहाँ से 150 रुपये की रेंज में ले सकते हैं। और ये देखिए, तो जब भी आप इस टाइप का सिलेक्शन करते हैं तो देखिए, इस टाइप का ये बुशी प्लांट लें, पूरा भरा हुआ प्लांट लें, क्योंकि इससे आप कई सारे नए प्लांट बना सकते हैं। और एक हावर्थिया की ये देखिए यहाँ पर ये वैरायटी है जो काफ़ी सारी खूबसूरत ये लगती है, पूरा बुशी प्लांट है, भरा हुआ प्लांट है। तो इस टाइप की वैरायटी से देखिए पूरा कितने ज़्यादा हेल्दी प्लांट हैं जो 150 रुपये की रेंज में आप यहाँ से ले सकते हैं। हावर्थिया की कई सारी वैरायटीज़ यहाँ पर यहाँ रखी हुई हैं, ये देखिए एक वैरायटी ये रखी हुई है, एक वैरायटी ये रखी हुई है, तो काफ़ी सारी वैरायटीज़ यहाँ पर रखी हुई हैं जो आप ले सकते हैं। एक नई वैरायटी जो आप ये देख पा रहे होंगे, देखिए ये भी एक हावर्थिया की ही वैरायटी है। और हावर्थिया की जो वैरायटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्डी होती हैं, वो हीट टॉलरेंट होती हैं, और आराम से वो जो दिल्ली का जैसे गर्म क्लाइमेट होता है मई जून में, उसको भी आराम से टॉलरेट कर लेती हैं। अगर आप उनको थोड़ा सा ठंडक में रख दें या छाया में रख दें, तो बहुत खूबसूरत प्लांट यहाँ पर अवेलेबल हैं जो सकुलेंट वैरायटीज़ के, जो आप यहाँ से 150 रुपये में 3 इंची पॉट में ले सकते हैं। और दोस्तों, ये देखिए, एक 150 रुपये की रेंज में आप एक ये वैरायटी भी ले सकते हैं, और ये काफ़ी महंगी वैरायटी होती है ये, क्योंकि मैंने कई नर्सरीज़ में देखी हैं। उसकी जो लीव्स होती हैं, शायद ये क्रेसुला की वैरायटी है, और ये देखिए इसकी जो लीव्स हैं वो सिल्वर टच लिए हुए हैं, और बहुत वेलवेटी लग रही हैं इसकी जो पत्तियां होती हैं सकुलेंट की। दोस्तों, सभी जो सकुलेंट होते हैं उनकी पत्तियों में वाटर स्टोर होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा केयर वो नहीं मांगते हैं। और एक देखिए, एक ये वैरायटी है, एक ये जो आप यहाँ से 150 रुपये की रेंज में ले सकते हैं, ये ये सेंसिवेरिया की एक वैरायटी है। और ये देखिए, एक वैरायटी ये है जो यहाँ से आप ले सकते हैं, इसमें फ्लावरिंग भी है, छोटी छोटी ये वाइट कलर की फ्लावरिंग हो रही है। तो इस टाइप से काफ़ी सारी वैरायटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं,
जो आप 150 रुपये की रेंज में यहाँ से ले सकते हैं। और दोस्तों ये देखिए, ये लक्ष्मी कमल है, और देखिए लक्ष्मी कमल के साइड से बहुत सारे ये बेबी पप्स निकल रहे हैं, जिनको आप अलग करके सेपरेट करके नए प्लांट बना सकते हैं। सभी में छोटे छोटे ये बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे ये देखिए। तो ये जो बेबी प्लांट्स होते हैं इनको आप अलग करके बना सकते हैं, और ये लगभग ये 4 इंची पॉट में लगे हुए प्लांट हैं। आप इनको सीधा भी रख सकते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती, तो बार बार रिपोर्टिंग जो सक्यूलेंट होते हैं इनकी बार बार रिपोर्टिंग हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनको थोड़ा रूट बाउंड होना ही पसंद होता है, और बहुत जल्दी ये मर जाते हैं, फिर सर्वाइव करना इनका मुश्किल होता है। और ये देखिए एक एचिवेडिया की ये वाली वैरायटी है, जो 200 रुपये में आप ले सकते हैं। ये जो सभी वैरायटीज़ हैं ये 4 इंची पॉट में लगी हुई वैरायटीज़ हैं, और आप 200 रुपये की रेंज में यहाँ से ले सकते हैं। एक ये वैरायटी है जो ये शायद डंकी टेल है, तो ये वैरायटी ले सकते हैं। एक देखिए ये वेरीगेटेड क्रैसुला है ये, तो ये आप ले सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत और हार्डी प्लांट होता है, जो दिल्ली के हीट टॉलरेंट जो क्लाइमेट होता है उसमें आराम से ये चल जाता है। और एक ये देखिए, एक ये वैरायटी है, ये देखिए ये वेरीगेटेड है, और बिल्कुल जो ट्री की शेप में है, छोटे से बिल्कुल ट्री की शेप में ये प्लांट है, तो ये भी बहुत खूबसूरत है दोस्तों। और यहाँ पर एचिवेडिया की कुछ और वेराइटीज़, ये देखिए यहाँ पर ये एचिवेरिया की कुछ और सारी वैरायटीज़ हैं। ये कैंप फायर क्रेसुला ओरनाटा इसको बोलते हैं। बहुत खूबसूरत ये प्लांट होता है, हार्डी प्लांट होता है, आराम से सरवाइव कर जाता है ये। और ये भी दोस्तों 200 रुपये में आप यहाँ से ले सकते हैं। और दोस्तों ये कुछ कैक्टस की वैरायटीज़ हैं, ये भी सब सक्यूलेंट ही होते हैं ये भी। और ये देखिए, ये एक मैं काफ़ी दिनों से जो वैरायटी ढूंढ रही थी, ये मुझे इसका नाम नहीं पता है, तो ये भी आप यहाँ से 200 रुपये की रेंज में ले सकते हैं। और ये देखिए ये हावर्थिया है, ये हावर्थिया की वैरायटी है, तो ये सबसे ज़्यादा हार्डी जिसको हम कह सकते हैं, ये जो हावर्थिया है ये जेब्रिना हावर्थिया है। तो दोनों ही जो वैरायटीज़ हैं दोस्तों, ये दोनों ही वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा हार्डी होती हैं। मैंने खुद अपने गार्डन में लगाया हुआ है इनको, और देखिए अगर मैं आपको प्लांट दिखाऊँ तो देखिए कितने ज़्यादा ये बुशी प्लांट हैं। मैंने तो बहुत छोटा सा प्लांट 150 रुपये में लिया था, और यहाँ पर देखिए आप कितना ज़्यादा ये सभी बुशी प्लांट हैं, बहुत ज़्यादा बुशी प्लांट हैं ये देखिए। और यहाँ पर ये सारे सभी जो प्लांट आप देख पा रहे होंगे, ये हावर्थिया के और दिल्ली के ये हॉट क्लाइमेट में बहुत आराम से ये सर्वाइव करते हैं, कई साल तक आपके गार्डन में बने रहते हैं। 200 रुपये में ये ले सकते हैं आप। ये देखिए ये बनी कैक्टस है, बनी कैक्टस, ये देखिए ये बनी के शेप में इसके कान होते हैं, खरगोश के जैसे कान होते हैं, इसलिए इसको बनी कैक्टस बोलते हैं। इसमें हालांकि यहाँ पर एक ही वैरायटी अवेलेबल है, इसमें दो वैरायटीज़ आती हैं। और ये देखिए ये स्पाइडर वेब कैक्टस है, तो ये सभी आप यहाँ से 200 रुपये की रेंज में ले सकते हैं। ये कैक्टस की एक दो वैरायटीज़ और हैं ये यहाँ पर, ये देखिए कि एक वैरायटी ये है, एक वैरायटी ये यहाँ पर रखी हुई हैं इस टाइप से। ये छोटे गमले में हैं, 3 इंची पॉट में हैं। तो जितने भी आप ये सभी कैक्टस की वैरायटीज़ यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्योंकि देखिए सभी का मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन देखिए एक ये वैरायटी है और एक ये वाली वैरायटी है, ये भी स्पाइडर वेब जैसी ही लग रही है। और ये देखिए छोटे छोटे ये गोल कैक्टस की वैरायटीज़ हैं, ये सभी आप यहाँ से 150 रुपये की रेंज में ले सकते हैं। और दोस्तों ये देखिए ये इंग्लिश आईवी है, ये थोड़ा सेमी सक्यूलेंट वैरायटीज़ होती का प्लांट होता है, वाइन होती है ये, और इसका भी सीज़न शुरू ही हो गया है, काफ़ी अच्छा सा ये बढ़ जाता है, लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा इसको सर्वाइव कराना मुश्किल होता है, क्योंकि ये हीट टॉलरेंट नहीं है, तो ये गर्मी को सहन नहीं कर पाता है। और यहाँ पर कुछ मैं आपको मिनिएचर प्लांट्स दिखा रही हूँ, देखिए सिंगोनियम है, जिन भाई बहनों के घर में जगह कम है वो सीधा इस टाइप के ये मिनिएचर प्लांट्स अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर एक जो नई वैरायटी मुझे देखने को मिली, ये देखिए,
और इस वैरायटी का दोस्तों मुझे नाम नहीं पता है, तो अगर आपको किसी को पता हो तो वो मुझे कमेंट करके इसका नाम बता सकते हैं। लेकिन बहुत ही खूबसूरत सी ये वैरायटी है मिनिएचर प्लांट की, और मिनिएचर प्लांट तो बिल्कुल मेरी कमज़ोरी ही है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ये देखिए सिंगोनियम की, ये देखिए ये पिंक कलर का ये सिंगोनियम प्लांट है, और एक सिंगोनियम की और जो ग्रीन और थोड़ी रेडिश वैरायटी है, ये देखिए ये छोटे छोटे सबके आप सेरेमिक पॉट्स में इनको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, और इनको आप चेंज भी कर सकते हैं, पूरा गमले सहित भी आप इनको रख सकते हैं। ये देखिए ये फिलोडेंड्रोन की वैरायटीज़ हैं, तो ये भी आप यहाँ से ले सकते हैं, बहुत ही प्यारी सी ये लगती हैं। और ये देखिए ये फर्न की वैरायटीज़ हैं, ये बिल्कुल मिनिएचर फर्न हैं जिनको आप यहाँ से ले सकते हैं। और सभी ये जितने भी प्लांट हैं ये इंडोर प्लांट हैं, छोटे छोटे डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये प्लांट लगते हैं। और ये देखिए ये ज़नाइडो की गोल्डन वैरायटी है, ये देखिए ये बिल्कुल ये मिडल साइज़ में है, और ये देखिए ये बिल्कुल मिनिएचर, बिल्कुल छोटे छोटे पत्ते हैं इसके, कि आप कहीं रखेंगे तो बहुत ही मुश्किल से ये प्लांट दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने पड़ते हैं अगर कहीं इनको आप डेकोरेट भी करते हैं। इसकी देखिए ये मिडल साइज़ की है, और इसमें ये गोल्डन वैरायटी है, और ये देखिए ये ग्रीन वैरायटी है, तो ग्रीन वैरायटी में देखिए नई नई लीव्स आई हुई हैं। तो इस टाइप का दोस्तों आप प्लांट जब भी आप सिलेक्शन करते हैं, तो देखिए इसमें तीन प्लांट लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये सभी प्लांट जो मिनिएचर प्लांट हैं, ये सभी वैरायटीज़ आप यहाँ से 80 रुपए में ले सकते हैं। और दोस्तों ये सेंसिवेरिया की यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैरायटीज़ अवेलेबल थी, तो मैं इसी को इनको भी कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये कुछ डिफरेंट वैरायटी मुझे दिख रही थी जो मैंने अभी किसी और नर्सरी में नहीं देखी है। यहाँ पर ये देखिए ये छोटे छोटे पॉट में लगी हुई हैं, बड़े पॉट में भी लगी हुई हैं, काफ़ी बड़े पॉट में भी लगी हुई हैं, और ये इस टाइप के पॉट में लगे हुए हैं जिसमें तीन से चार प्लांट आपको मिल जाते हैं, और भी नए नए बेबी प्लांट्स इनके साइड से निकले हुए हैं। और एक देखिए ये ग्रीन वैरायटी है इनके पास अवेलेबल जो कॉमनली आप देखते हैं, एक ये वाली जो वैरायटी है जो देसी वैरायटी होती है, ये भी आप कॉमनली सभी नर्सरीज़ में देखते होंगे। तो यहाँ पर तीन से चार वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। और दोस्तों एक ये वैरायटी है जिसकी ये पत्तियाँ ग्रीन हैं और जो इसकी एजेस हैं वो ऑफ वाइट कलर की हैं, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत सा लगता है। और तो जब भी आप इस टाइप से देखिए इसमें तीन बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं, और एक ये तो इस गमले में चार प्लांट हैं, तो कईयों में दो हैं, कईयों में चार हैं, कईयों में एक भी है। तो इस टाइप से आप प्लांट का सिलेक्शन करें। एक ये देखिए यहाँ पर ये थोड़े बड़े पॉट में लगे हुए प्लांट हैं, और सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, ये देखिए ये ड्वार्फ वैरायटी है स्नेक प्लांट की, और बहुत प्यारा सा ये लगता है। और ये देखिए मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से इसमें छोटा सा बेबी प्लांट निकला हुआ है, और कईयों में बेबी प्लांट निकले हुए हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर इसमें, ये देखिए यहाँ पर इसमें दो बेबी प्लांट निकले हुए हैं। तो इस टाइप का आप प्लांट सिलेक्शन करिए ताकि आपको एक के रेट में कई सारे प्लांट मिल जाएँ। तो ये सभी जो प्लांट हैं आपको जो छोटे पॉट में लगे हुए प्लांट थे वो 80 रुपये में मिल जाएंगे, बाकी 200 रुपये की रेंज में, 300 रुपये की रेंज में, और बड़े पॉट में 400 रुपये की रेंज में भी ये सभी आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज मैंने आपको ग्रीन वर्ल्ड नर्सरी में मिलने वाले सकुलेंट वैरायटीज़ दिखाई हैं, और मुझे काफ़ी सारी नर्सरीज़ की विज़िट मैं करती रहती हूँ, तो मुझे इनके जो रेट हैं वो काफ़ी हद तक सही भी लगे हैं, प्लांट बहुत अच्छे हैं। आपको यहाँ ज़रूर एक बार विज़िट करना चाहिए अगर आप यहाँ नियर बाय रहते हैं, इस एरिया के आसपास रहते हैं, या आप यहाँ से निकलते हुए जाते हैं और आप प्लांट लवर हैं, तो यहाँ आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ प्लांट्स की रेंज बहुत अच्छी है, पॉट्स की भी रेंज यहाँ पर बहुत अच्छी है। विंटर प्लांट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी इनके पास बहुत अच्छी रेंज में अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे यूनिक प्लांट भी इनके पास, डिफरेंट प्लांट भी इनके पास अवेलेबल हैं। तो आई होप जो मैंने आपको प्लांट दिखाए हैं वो आपको पसंद आए होंगे, रेट मैंने आपको बता ही दिए हैं, और कोशिश की है आप लगभग सभी प्लांट्स को कवर करने की, और इनमें कुछ रह भी गए हैं तो वो आप आकर विज़िट करके यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।